हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज। जिन लोगों को पेट फूलने की समस्या रहती है, कब्ज की समस्या रहती है, और खट्टे डकार खाने का ना पचना, उल्टी आने का मन होना कब्ज की वजह से, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कब्ज होने के कुछ कारण लक्षणों के बारे में, और साथ ही हम बताएंगे कुछ इलाज के बारे में। देखिए दोस्तों, कब्ज किन कारणों की वजह से होता है? वो है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, उल्टा सीधा खाने पीने की वजह से। कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा ऑयली खाना खा लेते हैं, तला हुआ खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे पेट पे कब्ज हो सकती है। पानी कम पीने की वजह से भी कब्ज हो सकती है। और इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी ना करना, यानी कि कोई काम ना करना, किसी भी तरीके की गतिविधि का ना करना, खाने खाने के बाद सीधे सीधे जाके लेट जाना, इसकी वजह से भी कब्ज की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में, यानी कि सिम्टम्स के बारे में। पेट में दर्द, पेट का फूलना, मुंह में स्मेल आना यानी कि सांसों में बदबू आना, और चेहरे पे मुहासे पिंपल्स का होना, तो खाने का ना पचना, तो ये सभी जो सिम्टम्स हैं कब्ज के। तो आज हम आपको कुछ रेमेडीज़ बताने जा रहे हैं। सबसे पहली रेमेडीज हमारी ये है, अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, सबसे पहला तो आपने ये कि पानी पीना है। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिए, क्योंकि पानी कम होने की वजह से कब्ज़ की प्रॉब्लम्स की जो वजह है वो ज़्यादा रहती है। और दूसरा है कि रात को 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच देसी घी डाल के पिए, इससे भी आपकी कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और उसके बाद है, 1 ग्लास दूध में आपने 2 अंजीर डाल के उबालने हैं, और फिर उसको अंजीर को खा लेना है और दूध पी लेना है। और इसके अलावा जो है आपका लाइफस्टाइल, जो आप खाने पीने में जिस तरह से आप खाते हैं, जो भी आप सुबह से लेकर रात तक आप जो भी खाते पीते हैं, उन चीज़ों पर आपने ध्यान देना है। किस तरह से आपने सुबह ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है। सबसे पहले आपने सुबह उठना है, बिना ब्रश किए आपने 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है, नहीं तो आप सिंपल पानी भी पी सकते हैं, ताज़ा पानी। और ध्यान रहे, आपने पानी बिना ब्रश किए पीना है तब, अगर आप रात को ब्रश करके सोए, वरना आपके जो रात के जो मुंह के जो जम्स होंगे वो सभी पेट के अंदर एंटर कर जाएंगे पानी के साथ, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपने नाश्ता ज़रूर करना है, ब्रेकफास्ट ज़रूर करें, क्योंकि पेट खाली रहने से भी गैस बनती है, पेट फूलता है, तो थोड़ा सा कुछ भी खा लें नाश्ते में। तो दोपहर के बाद, दोपहर और सुबह के बीच का जो समय होता है, यानी कि 10 से 12 बजे के बीच, आपने क्या करना है, 1 प्लेट सैलेड खानी है, उसमें मूली गाजर और टमाटर ज़रूर हो। अगर आप टमाटर नहीं पसंद करते तो स्किप कर सकते हैं। और कब्ज़ हटाने के लिए मूली और गाजर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ट्राई किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद दोपहर के खाने में आपने हरी सब्जियां शामिल करें, जैसे ब्रोकली, स्प्राउट्स, ब्रसल्स, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, इन सब्जियों को शामिल करें, और दही ज़रूर खाएं, और सैलड ज़रूर। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि दोपहर और रात के खाने में सैलड ज़रूर लेना है, क्योंकि सैलड ही आपकी जो कब्ज़ की समस्या है उसको दूर कर सकता है, तो सैलड ज़रूर खाएं। इसके अलावा आपने क्या करना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, वो है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि बाहर का खाना ही अवॉइड करना है। हर बीमारियों में, हर प्रॉब्लम्स में, हर हेल्थ प्रॉब्लम की जो जड़ है वो शायद बाहर का खाना है। कि ये हम लोग जानते हुए, मैं भी, आप भी, सब लोग जानते हुए भी बाहर की चीज़ों की तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जबकि ये जानते हैं कि वो चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हैं, तब भी हम उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा गौर करते हैं, खाते हैं, फिर कहते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इन्हीं चीज़ों से है, क्योंकि ये चीज़ें बाहर जब भी बनती हैं, पकती हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत कम ध्यान रखा जाता है, आप जानते ही होंगे। तो ऐसे में क्या कीजिए कि अगर आपको कोई भी चीज़ें खाने का मन है तो आप घर पर ट्राई कीजिए, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो रात को सैलड खाना ना भूलें। तो अगर आप रात को ये चीज़ें, अगर आप 3 से 4 दिन अगर आप लगातार ट्राई कर लें, जिन भी लोगों को कब्ज़ की प्रॉब्लम है, मैं 100% श्योर हूँ कि उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। 5वें दिन आपकी जो ये प्रॉब्लम है बिल्कुल जड़ से ख़त्म। तो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। और उसके बाद एक बहुत ज़रूरी बात है, वो है शराब, एल्कोहल, सिगरेट्स, तंबाकू, बीड़ी, इन सभी चीज़ों को भी छोड़ दें। जो मेल्स हैं, जो
जेंट्स हैं वो इन सभी चीज़ों को अवॉइड कर दें, और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम है और रात के वक्त तो बिल्कुल भी अल्कोहल का सेवन ना करें, शराब को बिल्कुल भी ना पिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो मतलब कि आपका डाइजेशन ख़राब है, और डाइजेशन ख़राब है तो मीन्स कि आपको जो न्यूट्रिशंस, जो विटामिंस, जो मिनरल्स जो भी हैं वो आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर डाइजेशन ख़राब है, अगर कब्ज हैं, तो ना तो वो जो बॉडी का वेस्ट है वो बाहर निकल पा रहा है, ना ही आपके जो खाई पी जो भी डाइट है वो उसके जो मिनरल्स और विटामिंस हैं ना ही वो आपकी बॉडी तक पहुँचा पाएगा। तो ऐसे में कॉन्स्टिपेशन की जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट हैं, जो कॉन्स्टिपेशन की जिनको प्रॉब्लम है, वो लोग अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर डाइजेशन सही रहेगा तो ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अगर आपने इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें आप खाएंगे, क्या नहीं अवॉइड कर सकते, क्या खा सकते, हम आपको ज़रूर बताएंगे। कि अगर उसके अलावा जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज़ जिसे हम बोलते हैं, या फिर दिल की कोई हार्ट प्रॉब्लम है, या अर्थराइटिस है, या ब्लड प्रेशर कम या बढ़ने की कोई दिक्कत है, तो आप कोई भी सवाल पूछिए बेझिझक, हम आपको ज़रूर उसके सोल्यूशन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।